हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी की बाइबिल कही जाने वाली बुक लक्ष्मीकांत का आज हम रिव्यू करेंगे। जो नई बुक सेवन संस्करण का बुक है, ये देखिए सेवन संस्करण का बुक है, ये नई बुक आई है मार्केट में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से चैप्टर नए जुड़े हैं, ठीक है। तो आज हम इस बुक का पूरा रिव्यू करेंगे कि आपको इस बुक को क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। पुराने बुक से किस प्रकार ये अच्छी है, तो देखिए ऊपर वाला ऐसे ही पेज आपको दिखेगा, तभी दुकान पर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। स्कैन ये सब यहाँ पे बताया गया है, ये आपका ओरिजिनल है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पीछे देखते हैं, यहाँ पे आपका देखिए ये दिया गया है, ये भारत की राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया है इधर। इसके बाद पीछे हम देखते हैं, पीछे आपका एक व्हाट्सएप वाला आपका लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपका ये दिया गया है ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी वाला आपका दिया गया है कि बुक ओरिजिनल है कि वह नहीं है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा लगभग 707 पेज है। मैं आपको पेज दिखा देता हूँ कितना पेज है, ये देखिए 707 पेजेज हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कौन कौन से नए चैप्टर यहाँ पे जुड़े हैं। ये देखिए आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, आप देखिए। इसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, इसके बाद जब ओपन करेंगे ये देखिए आप, यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या जुड़ा है। देखिए नए अध्याय यहाँ पे लिखा गया है, नए अध्याय तो यहाँ पहले लिखा गया है संविधान की और अवधारणा, उपभोक्ता आयोग, संविधानिक वित्त की संरचना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय विविध परिषद, भारत का विधि आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव, जैसे अभी 370 वाला ना, तो ये सब अभी और जो जो अभी नए नए अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, उसका दिया गया है। संविधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विश्व का सिद्धांत भी एक जोड़ दिया गया है, ठीक है। कुछ क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कुछ एक दो पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेदों के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन, ये देखिए नए जुड़े हैं आपका। अब इस संस्करण में परिवर्तन क्या है, तो ये देखिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये संस्करण में ये परिवर्तन है, आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हो यहाँ तक कोई इम्पोर्टेंट बात, एक बार आप देख लीजिए कैसे किस प्रकार की बुक है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार, अब देखिए यहाँ पे दिखा गया है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2023 में आपको दिख रहा है 16 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस बुक से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। 2021 और 20 में देख लीजिए 18 क्वेश्चन तक, 17 में तो 22 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस बुक की कितनी महत्ता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये देखिए अब यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है कि किस प्रकार से सिलेबस को आपको पढ़ना है, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा आपका विषय सूची दिया गया है, ठीक है। ये देखिए विषय सूची पूरा दिया गया, अच्छे से इस फिल्म बताया गया है, जैसे आपको पेज बाय पेज नहीं पढ़ना होगा, आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से पेज नंबर पे क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ है। तो चलिए इतना है, अब देखिए इस अंदर ये देखिए इसका पेज, देखिए इसका पेज काफ़ी अच्छे हैं, पेज में इम्प्रूवमेंट किया गया है, काफ़ी अच्छे पेज लाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये तालिका है पूरा, देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो देखिए यहाँ से आपका ये देखिए आपका ये देखिए ऐसे स्टार्ट होता है, तो ऐसे स्टार्ट होने में यहाँ पे आपको पूरा पृष्ठभूमि दे दिया जाता है, इस भाग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो मतलब भाग एक के अध्याय एक में पूरा ये आपको दे दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको मिलेगी बुक, तो ये देखिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ सबको, यहाँ पे ये देखिए अध्याय 9, ठीक है। ये देखिए कैसे है सब कुछ आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छे तरह से सब कुछ
दिया गया है। ठीक है, देखिए इतना आपको अच्छा है। ठीक है, देखिए अध्याय 32 लगभग कितने अच्छे तरीके से सब कुछ इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा हो देखिए तो आप वहाँ पे दुकान से जाके आप इसको खरीद सकते हैं अगर अच्छी लगे। ठीक, देखिए यहाँ पे अब देखिए हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पीछे आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 2015 का क्वेश्चन पूरा प्रश्न पत्र, 2014 का पूरा प्रश्न पत्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2013 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे मेंस का भी क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, अभी मेंस का भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, देखिए मेंस का 2016 का, मेंस का 17, 18 और 19, ये सब देखिए मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न सीधे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बुक। ठीक है, अगर आपको इस बुक का रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।